भागलपुर जिले का नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र केले और मक्के को लेकर काफी प्रसिद्ध है, लेकिन अब इससे हटकर नौगछिया के एक किसान ने सेब, नारंगी, अनानास, वीएनआरवी, अमरूद, थाई बेर, नारंगी, मौसमी की बागवानी शुरू कर दी है। जो सेब कश्मीर और हिमाचल की वादियों में नजर आते हैं, वो नौगछिया में भी दिखने लगे हैं। किसान गोपाल सिंह ने 4 एकड़ में 1000 पेड़ लगाकर सेब की खेती शुरू की है। इस वर्ष पहली बार पेड़ में सेब फल है। वहीं जिस अनानास की खेती सिल्लीगुड़ी में होती है, गोपाल सिंह ने अपने खेत में पहली बार इसको भी लगाया है। पहले ही वर्ष में पौधों में फल आने लगे हैं। 3 एकड़ में अनानास की खेती शुरू की गई है। भागलपुर जिले का नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र में केले और मक्के को लेकर काफी प्रसिद्धि होती है, लेकिन अब इससे हटकर नौगछिया के एक किसान ने सेब, नारंगी, अनानास, वीएनआरवी, अमरूद, थाई बेर, नारंगी और मौसमी की बागवानी शुरू की। किसान गोपाल सिंह ने 4 एकड़ में 1000 पेड़ लगाकर सेब की खेती शुरू की है। वहीं अनानास की खेती भी इनके द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा है कि फरवरी महीने में सभी पेड़ों में फूल आते हैं और जुलाई में पककर तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के विलासपुर से सेब का पेड़ लाया गया था और 3 वर्ष पहले सभी पेड़ लगाए। इस वर्ष कम फल हुआ है, लेकिन अगले वर्ष सभी पेड़ों में फल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि फरवरी महीने में सभी पेड़ों में फूल आते हैं और जुलाई में पककर तैयार हो जाते हैं। बागवानी को लेकर किसान गोपाल सिंह का क्या कहना है, आप उनसे सुनिए। सेब की खेती शुरू हो चुकी है आपके बगान में? जी। कितने एकड़ में ये? करीब 4 एकड़ में हम लोग सेब का खेती 1000 प्लांट लगाए हैं और इसका 3 साल पूरा होने वाला है। चौथे साल से इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा और फिर जो लग रहा है हम लोगों को भी अच्छा है, स्कोप अच्छा बनेगा और पौधा में कोई तरह का किसी तरह का कोई रोग व्याधि उस तरह का नहीं है, अच्छा फलन होगा। ये पहला शुरुआत था बिहार सरकार के तरफ से, इसके लिए कोई सहयोग? बिहार सरकार का कोई सहयोग उस तरह का नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोकल पदाधिकारी हैं आत्मा से जुड़े हुए, आपके वो प्रभात सिंह वगैरह, फिर हॉर्टिकल्चर के जो यहाँ हेड हैं, वो लोग भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, बातचीत से हम लोगों को पूरा भरोसा देते हैं, लेकिन उस तरह का कुछ नहीं है। बिहार सरकार पास उस तरह का कोई विंग नहीं है कि हम लोगों को सहयोग किया जाए इस मद में, लेकिन फिर रिस्क होता है ये नया फसल शुरू करना। लेकिन रिस्क है, लेकिन जब तक रिस्क कवर नहीं होगा तब तक तो फिर लाभ होगा कैसे, नुकसान भी होगा। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलेगा। इसलिए रिस्क लेना ही पड़ेगा जब आपको दौड़ना है, आगे बढ़ना है, किसान को बढ़ाना है। और हमको लगता है कि अगर 1 एकड़ में यहाँ का किसान शुरू कर देगा, अभी अगले साल लोग देख लें इसको, उसके बाद फिर 5 लाख रुपया आसानी से 1 एकड़ से मिल जाएगा, जो खेती का पूरा विकास होगा, लोग यहाँ आत्मनिर्भर हो जाएंगे, कम से कम जमीन के रकबा में भी लोग अपने को संतुष्ट पाएंगे। और भी किन चीज़ों की खेती होती है? और यहाँ की खेती है हमारे पास मौसमी है, नारंगी है, फिर अनानास है, फिर आपका नाशपाती है, थाई एप्पल बैर है, ग्रीन एप्पल बैर है, रेड एप्पल बैर है, फिर उसी के इंटरक्रॉपिंग में हम लोग लार्ज स्केल पर पपाया और बनाना भी, गोभा भी लगाए हुए हैं। अनाना गोभा का खेती है जो शुगर फ्री है आपका, वीएनआरवी ही, और उसके बाद फिर दूसरा इलाहाबादी सफ़ेदा भी, 1200 प्लांट वीएनआरवी ही है और 1000 प्लांट इलाहाबादी सफ़ेदा है। फिर उसके बाद हम लोग लोकल में ये इंटरक्रॉपिंग में बनाना लगाए हुए हैं, फिर पपाया है। हम लोग चाहते हैं कि एक एक इंच ज़मीन का इस्तेमाल हो जाए और लोग फिर कम से कम रकबा में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो जाए, इसी तरफ हम लोगों का परिचय दे। और मैं गोपाल सिंह और फिर तेतरी ग्राम पंचायत नौगछिया प्रखंड। वाकई ये एक अद्भुत छवि बिहार के भागलपुर के नौगछिया जिले से, एक अद्भुत तस्वीर। एक तरफ जहां सेब की खेती पहाड़ी क्षेत्रों में होती है और इस बात की कल्पना बिहार वासियों के लिए, बिहार के किसानों के लिए ये सोचना भी मुश्किल है, अकल्पनीय है कि बिहार में भी सेब की खेती हो सकती है, लेकिन गोपाल सिंह ने ऐसा कर दिखाया है। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।